अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद अली और आप देख रहे हैं ला लीगल इंटरटेनर। दोस्तों आज की वीडियो में मेरे साथ एक ऐसा कैंडिडेट मौजूद है जो आज मेरिन का टेस्ट दे के आया है, और सिर्फ उसने टेस्ट ही नहीं दी है बल्कि टेस्ट पास भी करके आया है। तो आज की वीडियो में मैं उनसे इंटरव्यू लूँगा और वो कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेगा। मैं उनसे पूछूँगा कौन कौन से सवाल आए थे और किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आए थे और वो कहाँ से तैयारी करके गया था टेस्ट देने के लिए। तो अगर आपका मेरिन का टेस्ट है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा लाजमी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो जनाब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जनाब मुझे आप ये बताएं कि आपने मेरिन का पहले भी टेस्ट दिया था या ये फर्स्ट बार आप दे के आए हो मेरिन का टेस्ट? मेरिन का जो बैच भी 2021 में आई थी ना, जो उसमें मैंने टेस्ट दिया था इस बार, उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था लेकिन मेरी टेस्ट इनफॉर्मिटी की वजह से मुझे अनफिट कर दिया गया था। तो फिर मैंने प्रैक्टिस की इस चीज की, अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, टेस्ट भी ठीक है, हाइट पहले ठीक थी, तो फिर मैंने इस बार फिर अप्लाई कर दिया। अच्छा जनाब आप मुझे ये बताएं कि आपका टेस्ट क्या टाइम कब दिया गया था, मतलब आपको कितने बजे जाना पड़ा नेवी के सेंटर में टेस्ट देने के लिए? जी मेरा सुबह तकरीबन 7 बजे का टेस्ट था, 7 बजे टाइम दिया था, तो मैं 7 बजे से तकरीबन 10-15 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच गया था। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट का प्रोसेस था, उन्होंने फाइलें वगैरह चेक की, नंबर वगैरह देखे, पहले हाइट चेक की, फिर उन्होंने टेस्ट चेक की, उसके बाद उन्होंने स्टैंप लगा दी, फिर हम अंदर चले गए, कंप्यूटर पे बिठा दिया, फिर हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया। जनाब आप 7 बजे टेस्ट देने के लिए गए तो टेस्ट आपका कितने बजे स्टार्ट हुआ, मतलब उन्होंने टेस्ट आपसे कितने बजे लिया? टेस्ट मेरा तकरीबन 8 बजे स्टार्ट हो गया था। अच्छा ये बताएं कि टेस्ट देने के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे साथ, और उन्होंने वहाँ पे कौन कौन से सर्टिफिकेट चेक किए आपके? डॉक्यूमेंट्स तो मैं अपना डोमिसाइल लेकर गया था और रिजल्ट कार्ड था मैट्रिक का, वो लेकर गया था। तो मेरा अभी 2020 में मैट्रिक पास है, तो इसलिए मेरे पास तो समझ नहीं थी, तो मैं रिजल्ट ले गया था, इंटरनेट से भी मिल जाता है वैसे तो, स्कूल की तरफ से भी मिल गया था, वो मैं लेके गया था। इसके अलावा मेरे पास डोमिसाइल था और 2 नंबर स्लिप थी, तो फिर उन्होंने सिर्फ जो है रिजल्ट उसका चेक किया था, रिजल्ट के नंबर की परसेंटेज चेक करते थे और बाकी फाइलें बाहर रखवा देते थे, सिर्फ 15 लेके जाने की इजाज़त थी। मतलब जो आप सर्टिफिकेट लेके गए थे वो आपके वहाँ पे उन्होंने चेक नहीं किए? नहीं वहाँ पे नहीं चेक किए, वो कह रहे थे इस बार नहीं चेक होंगे, जब आपके शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उसके बाद जब आपको कॉल या एसएमएस आएगा तो फिर आप मुझे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जनाब ये बताएं कि जैसे ही आप नेवी के सेंटर पे पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने आपसे क्या करवाया, मतलब टेस्ट देने से पहले उन्होंने क्या प्रोसेस वहाँ पे किया और आपको वहाँ पे टेस्ट देने से पहले क्या क्या करना पड़ा? देखिए भाई जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो कुछ कैंडिडेट थे तकरीबन 20 से 25 होंगे, तो वो लाइन में लगे हुए थे, इसी तरह मैं भी गया लाइन में लग गया। तो जब उन्होंने कहा भाई अपने आईडी कार्ड, स्मार्ट आईडी कार्ड चलता है वो बाहर निकालें, वो मैं गया तो उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया, चेक जेब वगैरह चेक की, मोबाइल था मेरे पास, उन्होंने वो जमा कर लिया वहीं पे 10 रुपये लिए। और उसके बाद जब अंदर गया तो उन्होंने हाइट चेक की, जिन पे डाउट था ना उनको कि ये बच्चे हैं जिनकी हाइट कम होगी या फिर इनकी चेस्ट कम होगी, उनको साइड पे निकाले जा रहे थे, बाकी जो कद के लम्बे थे जिसमें काफ़ी चौड़ा था जिनका, उनको कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि उनकी हाइट मुकम्मल थी और चेस्ट भी मुकम्मल थी, तो वो उनको जाने दे रहे थे, जिनके उन पर डाउट था उनको बाहर निकाल रहे थे। तो मैं गया तो मेरी चेस्ट भी ठीक थी, उन्होंने हाइट भी चेक, हाइट भी चेक की, सिर्फ चेस्ट चेक की थी ठीक थी। तो फिर आईडी कार्ड और स्लिप नंबर लिए उन्होंने, मैंने 100 रुपये वहाँ पर जमा करवाया और उन्होंने रिजल्ट से नंबर चेक किए, नंबर देखे और बोले तो फाइल उधर रख दो, अपनी फाइल आपको जाते वक्त ले जाना, अंदर जाके जाने की इजाज़त नहीं है। सोल्यूशन आईडी कार्ड मैं अंदर लेके गया था बस। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपने टेस्ट देने से पहले टेस्ट के लिए तैयारी कहाँ से की थी? देखो जब बी 2000 बैच की, यानी कि बी बैच की रेजिडेंसी आई थी ना, तो तब मैंने एक ऐप था ग्रीन फोर्सेज अकेडमी, प्ले स्टोर से भी मिल जाता है, एंड्रॉइड ऐप है, तो उससे मैंने तैयारी की थी, तो पिछली बार मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो उसके अलावा मैंने किसी बुक से कुछ भी नहीं तैयारी की। इस बार जब मैंने सी का टेस्ट दिया बैच 2021 सी, तो फिर इस बार मैंने सुपर एक्सीलेंट अकेडमी का इंटेलिजेंस बुक थी, एक मेरे पास वो थी और एक थी फेलर गाइड वाली, एक वो थी, उन दोनों से मैंने तैयारी की। उसके अलावा एक
28 या 130 वीडियो है एकेडमिक टेस्ट पर और इंटेलिजेंस टेस्ट पर मिस्ट्री में, तो वो वीडियो मैं सारी देख कर गया था। अच्छा, इसके अलावा मैंने और किसी से नहीं क्या की। टेस्ट में टोटल कितने सवाल आए थे और उसके लिए आपको कितना टाइम दिया गया था? टोटल 125 सवाल बनते हैं एकेडमिक और इंटेलिजेंस की मिलाकर, टाइम जो था वो 55 मिनट था दोनों के लिए। 75 क्वेश्चन थे वो इंटेलिजेंस के थे, उसके लिए थे वो 75 जो क्वेश्चन थे उसके लिए कितना टाइम दिया गया था आपको? उसके लिए 30 मिनट था। 30 मिनट। हाँ जी। सबसे पहले आपसे ये जो 75 क्वेश्चन थे ये आया था या जो 100 सवाल थे वो आए थे आपके पास? पहले इंटेलिजेंस आया था, 75 क्वेश्चन आए थे, बाद में भी अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर अगला टेस्ट आपको वो बता देते हैं, अगर आप पास हैं अगला टेस्ट करें, अगर नहीं फेल हैं तो फिर कुछ नहीं कहते, फिर वो आपको फेल आ जाता है, फिर आप निकाल लेते हैं टेस्ट लगा कर फेल आप कुछ लिख के। कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल आए थे? देखो नान ज्यादातर जो है इंटेलिजेंस उसमें दो ही क्वेश्चन होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल। जो नॉन वर्बल है वो तस्वीर वगैरह पर मुश्किल होते हैं, तो बताना होता है कि तस्वीर जो है इनमें से लहदा कौन सी है, पांच तस्वीरें या चार दी गई होती है, चार एक की होती है, जो पांचवी है उनमें से लहदा होती है वो लहदा निकालनी होती है, इस तरह के क्वेश्चन थे। और एक कोई भी तस्वीर है उसमें से जरा सा ना उसकी तस्वीर का जो पार्ट है वो काट देते हैं और चार ऑप्शन दे देते हैं, इन तस्वीर में से जो पार्ट काटा गया है वो पार्ट कौन सा है वो आपने सही चूज करना है। तो नॉन वर्बल में इस तरह के क्वेश्चन थे, इंटेलिजेंस में नॉन जो वर्बल है मतलब जो अल्फाजों पर मुश्किल होते थे क्वेश्चन थे, उसमें ज्यादातर जनरल नॉलेज और विच इज द डिफरेंट फ्रॉम बेस्ट, चार ऑप्शन दे देते थे, ब्रदर जैसे या विच इज डिफरेंट फ्रॉम बेस्ट, तो इन्होंने चार ऑप्शन दिए, ब्रदर फादर मदर अंकल। देखो अंकल जो है ये तो फैमिली का हिस्सा नहीं है ना ज्यादातर, तो ब्रदर जो है ये भी फैमिली का हिस्सा है, मदर जो है फैमिली का, फादर भी, तो इनमें से जो लहदा था ब्रदर था। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन थे और कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे और कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन थे, बस इसी तरह के थे। अच्छा जनाब, आप मुझे ये बताएं कि टेस्ट में कौन कौन से सवाल आए थे, क्योंकि आप टेस्ट देखे आए हो, तो अगर आपको एक दो सवाल याद है, अगर आपके माइंड में सवाल है तो वो भी आप प्लीज यहाँ पे शेयर कर दें। क्वेश्चन जो थे ना इंटेलिजेंस के वो नॉर्मली तकरीबन जो लड़के टेस्ट लेके आ रहे हैं सभी मिलते जुलते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे जो चेंज नहीं होंगे वरना मिलते जुलते हैं। मैंने मेरे पास भी ग्रुप है नेवी वालों के, लड़के जाते हैं टेस्ट लेके तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मैंने यही जायजा किया कि इंटेलिजेंस के जो है मिलते जुलते हैं लेकिन जो अकेडमिक है वो बदल बदल के देते हैं। तो अकेडमिक में मुझे जो क्वेश्चन आए थे कि ऑक्सीजन की कितनी मकदार है दुनिया में, तो ये 21% आया था, ये जो आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया वो इंडस है यानी कि सिंध है दरिया, क्योंकि ये था। उसके बाद नेवी का हेडक्वार्टर वो इस्लामाबाद में है, एक ये था, और उसके बाद था पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सिविल अवार्ड है यानी कि एक मिलिट्री अवार्ड वो है निशाने अहमद, एक सिविल अवार्ड है वो है पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली कप्तान जो वीर आजम सिंह वो थी जहांगीर भुट्टो। उसके बाद क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज की बता रहा हूँ आपको, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन मुझे याद नहीं था, एक आया म्यूजियम में था। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं कि ये जो सारे क्वेश्चन थे ये इंग्लिश में थे या उर्दू में भी थे? ये इंग्लिश में थे सारे। तो सारे इंग्लिश में थे जी। अच्छा, जब आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया मतलब कि टेस्ट आपने पास कर लिया तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्या लिखा आया वो भी आप बता दें हमें। मैंने ना इंटेलिजेंस का टेस्ट पास किया तो 75 क्वेश्चन होते हैं ना जिसके वो वाला जी, वो आया थे ऑप्शन आया था प्रोसीड टू नेक्स्ट टेस्ट, तो मैंने उसके पर क्लिक किया तो अगला टेस्ट आ गया। हमारे साथ एक लड़का बैठा हुआ था उसका इंटेलिजेंस टेस्ट जो फेल हो गया था उसमें, तो उसमें आ गया था कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, यानी कि आपका पहला टेस्ट फेल हो चुका है अगर आप अगला टेस्ट नहीं ले सकते, अगर आपका पहला पास होगा तो फिर आपको अगला टेस्ट लेने की जरूरत होगी। तो मेरे टेस्ट पे आया था प्रोसीड टू द नेक्स्ट टेस्ट अगला टेस्ट की तरफ से ले, जब मैंने वो क्लियर किया तो मेरे साथ आ गया था कंग्रेचुलेशन योर टेस्ट वाज क्वालिफाइड, यू विल बी सून इन्फॉर्म्ड विद वीआईए मैसेज और कॉल, इस तरह का मैसेज आया था। अच्छा, फिर आपका जो है नेवी वाले के ऑफिसर को आपने बताया होगा कि मैं पास हो गया हूँ या खुद वो आए थे आपके पास?
नहीं, जब मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैंने कहा सर ये हो गया है, तो उन्होंने चेक किया, ठीक है, उन्होंने स्टैंप लगा दी, टेस्ट क्वालिफाइड की। और मैंने पूछा सर शॉर्ट लिस्ट कब तक लगेगी इसकी, तो बोल रहे थे कि इसके जो टेस्ट हैं ये 15-30 तक खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद तकरीबन हफ्ते बाद या फिर 10 दिनों बाद शॉर्ट लिस्ट लग जाएगी, मतलब कह रहे थे 20-22 दिन तक लग जाएगी, तो आपको मैं सुबह कॉल कर दूंगी अगर आपने शॉर्ट लिस्ट का नाम आ गया। लास्ट पे आपसे सवाल ये है कि अगर किसी बंदे का मेरिन का टेस्ट है और वो आज मेरिन का टेस्ट या कल मेरिन का टेस्ट देने जा रहा है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या टेस्ट से पहले वो आप उसको क्या बोलना चाहेंगे, वो भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। देखिए जो सबसे मेन चीज है वो आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए आप 75 क्वेश्चन है, उसके लिए टाइम कितना है 30 मिनट, तो आप देखें तो हमने 1 मिनट में तकरीबन से तकरीबन 2.5 से 3 सवाल जो है ना सोल्व करने हैं, उनका हमने आंसर देना है, वरना हम टाइम लगाएंगे एक सवाल पे 1 मिनट लगा देंगे, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन हल होंगे, बाकी 75 रह जाएंगे, तो फिर इस तरह क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उनका आखिर में टाइम नहीं होता, उनके क्वेश्चन पड़े होते हैं, चाहे वो ठीक ही जवाब उन्हें दे रहे हो लेकिन वो उनका टाइम मैनेजमेंट जो है उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती। देखिए एक लड़का है वो 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, ठीक आंसर दे रहा है, थर्ड करने 25 क्वेश्चन दिए थे अपने, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सोल्व किए, तो 75 में से 25 वाला पास तो हो जाएगा, लेकिन क्या उसके शॉर्ट लिस्ट में नाम लिखने का चांस नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो आपका बेस्ट होना चाहिए, और उसके साथ आपकी जो इंग्लिश है वो बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे आते हैं इंग्लिश में, तो अगर आपकी इंग्लिश में बेस्ट होगी तो आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी, और अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन है वो मिस हो जाएंगे, और आपका टेस्ट देने का भी कोई फायदा ना होगा, आप इतने दूर से जाते हैं टेस्ट देने के लिए, अगर पास ना हो तो शॉर्ट लिस्ट में नाम ना आए तो फिर फायदा तो नहीं ना। तो यही बेस्ट है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें, इसी मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐप है, अगर आप सजेस्ट कर दें यूट्यूब पे दूसरों को तो वो बहुत अच्छी ऐप है, वो तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी बेस्ट करेगी, आपको क्वेश्चन भी जो ज्यादातर आ रहे हैं ना टेस्टों में इंटेलिजेंस के वो सब उसमें है, मतलब इन्वॉल्व है, जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो बच्चे बता रहे हैं, उनको बहुत तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन आपको वो टेस्ट लेगी, ऑनलाइन सब कुछ करेगी, आपको प्रिपेयर करेगी मतलब टेस्ट के लिए, तो वो टाइम बेस्ट होना चाहिए मैनेजमेंट, जो लाइक बच्चे हैं वो भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, तो टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, मेरा यही ख्याल है। अच्छा आप उस ऐप का नाम बता दें। इस ऐप का नाम है शहीन फोर्सेस अकेडमी, वो आप लिखेंगे तो उस प्ले स्टोर के ऊपर आ जाएगी, वो ऐप आ जाएगी, वो आपको टेस्ट भी प्रिपेयर करवाएगी, आपका टाइम भी मैनेजमेंट करवाएगी। थैंक यू जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए और आपने न्यू बंदों को जो है इतना गाइड किया, आपकी बड़ी मेहरबानी, तो हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह करे आपका शॉर्ट लिस्ट पे नाम लग जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो बस ये एक छोटा सा इंटरव्यू था, क्योंकि एक बंदा था, ये कैंडिडेट था, ये गया था मेरिन का टेस्ट देने आज, तो जैसे ही वापस आया तो मैंने इनसे पूछा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के अपलोड किया जाए, ताकि सबका भला हो, जो भी मेरिन में टेस्ट देने जाते हैं उनको, जो न्यू बंदे होते हैं उनको नहीं पता होता किस तरह के सवाल आते हैं, कितने सवाल आते हैं, कितना टाइम दिया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना कि ये भाई साहब से पूछूं और सब लोग देखें, उनकी हेल्प हो जाए। तो बस एक छोटा सा इंटरव्यू था, अगर आप मेरिन में जा रहे हैं तो मैंने 2 वीडियो पहले ही मेरिन में बना के रखी हैं, एक मैंने मेरिन कमांडो से इंटरव्यू लिया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो भाई आपने कुछ नहीं देखा, जाएं वो वीडियो आप ज़रूर देखें, ये वाली वीडियो है, नहीं तो आप यूट्यूब पर जाओगे लाल ईगल सर्च करोगे तो आपको वो वीडियो, मेरा चैनल आ जाएगा और चैनल के अंदर जाओगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप रिटर्न टेस्ट की तैयारी कहां से करें, इस भाई साहब ने एक एप्लीकेशन बताई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे जाओगे, एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूं, बहुत ही कमाल की वेबसाइट है, जिन लोगों को पता है तो वो ऑलरेडी इस वेबसाइट से फ़ायदा उठा रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता गूगल पे जाएं, gotest.com लिखें, आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं, उस पर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।